हाँ जी बेटे, साइकोलॉजी क्लास में बच्चे ऑलरेडी वी हैव कवर्ड टिल पेज नंबर 9, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 10। हम एनसीईआरटी बुक को ही रेफर करेंगे जैसे कि हम कर रहे थे। सो वी विल आई विल रीड फ्रॉम द बुक। आप अपनी बुक खोल लीजिए अपने पास, पेज नंबर 10 पे आ जाएं। साथ साथ आई विल रीड, क्योंकि मुझे और कोई मेथड नहीं समझ में आया आपको बेटे कराने का, क्योंकि इसमें बोर्ड वर्क ज़्यादा होता ही नहीं अपना। सो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट इट। Notes will be sent to you. I'll make the PDF and send it to you so that you can copy it down at home. Making you understand will be from the book will be through video. I'm sure this method is perfectly fine. So we're going to start from page number 10. Is pe apna topic, kyunki humne page 9 par, agar if you remember, past model is already done. Now it is page 10, individual differences in intelligence. अब हम वी नो दैट बच्चे कि इंटेलिजेंस में हर लोग जो है वो सब सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं है। देर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस, राइट। कुछ लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, कुछ जिनको हम गिफ्टेड कह देते हैं, कुछ मॉडरेटली इंटेलिजेंट हैं, कुछ लो इंटेलिजेंस में भी हैं। सो क्या चीज है जो इंटेलिजेंस डिटर्मिन करता है, क्यों हम सभी सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं है? So there must be something which is determining our intelligence, okay? So जैसे first line लिखी है बेटा, देखो individual differences in intelligence heading के नीचे, why are some people more intelligent than others? इसको underline कर लो paper में भी, as it is ये question line लिख देते हैं, why are some people more intelligent than the others? So ये हम बताएंगे। ये question ऐसे भी आ जाता है बेटा, what are the factors, लिख लीजिए book में side पे, what are the factors which affects intelligence? So that's the second way of asking the same answer, जो भी हम पढ़ेंगे। कौन से factors हैं जो affect करते हैं intelligence को? So let's go by one, line by line. Is it due to their heredity or is it due to the influence of environmental factors? तो factors आ गए। तो हम अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है बेटे, हमारी intelligence जो है it's a combination of two things, nature and nurture. नेचर को यहां पर हमें क्या कह रहा है, हेरिडिटी, एंड नर्चर को क्या कह रहा है, एनवायरनमेंट। ओके, मेरी इंटेलिजेंस जो मेरे जीन्स मेरे पेरेंट्स से आए हैं मेरे में, उन पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। मेरी मैक्सिमम इंटेलिजेंस कितनी होगी, यानी मेरा पोटेंशियल कितना होगा इंटेलिजेंस का, वो मुझे जीन्स से मिला। अब मैं मैक्सिमम पोटेंशियल से के साथ पैदा हुई, लेकिन एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं मिला, तो आई विल नॉट बी इवन एबल टू रीच टू द पोटेंशियल। उससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा पोटेंशियल तो फिक्स हुआ है कैसे, जीन से। एक नई चीज बताती हूँ आपको बिफोर वी स्टार्ट दिस। अभी ना नया एक मेथड शुरू है, जीन्स काउंसलिंग ऐसे करके कुछ कहते हैं। पीपल अब लोग पता है क्या करने लगे, पहले तो होता था ना शादियों में एक दूसरे के साथ टेवा मैच कराया जाता था कि भैया इसकी जन्म पत्री और इसकी जन्म पत्री मैच करके देखो, इनकी नेचर मैच होगी कि नहीं, हाँ व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे विल एंजॉय। डू यू नो अब लोग क्या कराने लग गए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जीन्स काउंसलिंग कहते हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्मिनोलॉजी, बट यही है जेनेटिक काउंसलिंग। यस, जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं। वो क्या, बोथ मेल एंड फीमेल दे गो टू द काउंसलर्स, ठीक है, वो बायो के एक्सपर्ट हैं, और वो दोनों अपने जीन्स से ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी आगे वाले जेनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, बिकॉज दे वांट द नेक्स्ट जेनरेशन, उनकी नेक्स्ट जो बच्चे हैं वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होने चाहिए, या मे बी गुड इन जी फैक्टर होने चाहिए, सॉरी एस फैक्टर। सो ये भी एक नया है, इट मीन्स जेनेटिकली आप कितने पोटेंशियल से पैदा होते हैं ये बहुत हद तक मैटर करता है। लेट्स कम बैक टू द बुक, क्या लिखा है। सो लेट्स रीड, it's written that you've already read about this in class 11 also. So we are going to the next paragraph, intelligence. Interplay, yani dono ka combination, interplay of nature and nurture. The evidence for hereditary influences on intelligence comes mainly from studies on twins and adopted children. Ab inhone unke upar study kiya, twins or adopted children pe. The intelligence of identical twins, underline kar lo bacha, identical twins reared together, जिनको जो कठे पले हैं, they correlate, आपस में उनका कितना correlation होता है, 0.90, very high. Twins separated early in childhood, अलग हो गए,
also show considerable similarities in their intellectual personality and behavior. मूवीज में देखा होगा जुड़वा जुड़वा मूवीज आती थी ना, जहाँ दो हीरो हीरो के दो वो दिखा देते हैं, एक बचपन में बिछुड़ गया, कोई नौकरानी ले गई, कुछ इस तरह के फनी सी पुरानी 60s 70s की वीडियोस मूवीज जो थी उनमें आप देखा होगा. तो उसमें दिखाते हैं जी इधर एक भाई को थप्पड़ पड़ा तो दूसरे भाई को भी इफेक्ट फील होता है ना. वो तो हो गया बायोलॉजिकली, मतलब उनको इफेक्ट फील होता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दोनों इकट्ठे पैदा हुए ना. सो दिस इज, एक अगर इंटेलिजेंस है तो दूसरा भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हो सकता है कि वो नेचर, मुझे याद है कौन सी मूवी थी, चालबाज श्रीदेवी, उसमें क्या था यू रिमेम्बर कि एक बच्ची जो थी वो उनके साथ जो है क्या था उनके मेड और उस सर्कल में पली थी, तो बस्ती बस्ती में, तो वो बड़ी शार्प एंड बोल्ड थी, बट वन वॉज अंडर somebody और वो बहुत ज्यादा जो थी इंट्रोवर्ट थी. सो ये क्या हो गया, उनके एनवायरनमेंट ने उनको ऐसा बना दिया, जबकि बेसिकली लुक वाइज तो चलो सेम ही होते हैं, इंटेलिजेंस वाइज भी दे कैरी द सेम जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स. ओके सो यहाँ आ गया, इवन इफ दे आर सेपरेटेड दे हैव सिमिलैरिटीज. द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. अब जो अलग अलग एनवायरनमेंट में है उनमें कोरिलेशन कितना होता है, पहले वाले से कम. 0.72. Those of fraternal twins हो गए, they reared together correlate almost 0.60. Okay, मतलब siblings. And those of brothers, sorry, siblings तो आ गया कि fraternal twins. Those of brothers and sisters reared together they correlate 0.50. जो हम, मैं और मेरी sibling जो होंगे, वो बिल्कुल absolutely match नहीं करते behavior में भी, nature में भी, and there are many factors. So 0.5. So then while siblings reared apart, दोनों अलग अलग कर दिए, they correlate about 0.25. So हम बताना चाह रहे हैं कि same genes होते हुए भी अगर उनका brought up अलग अलग है, ठीक है, same जगह है और अलग अलग है, तो कितना का variations हो सकता है, which is a huge variation. Another line of evidence comes from the studies of adopted children, which show that children intelligence is more similar to their biological rather than their adoptive parents. अब अगर हमने adoption किया है, कोई बच्चा लिया है, तो हम उसे जितना मर्जी heavily good या बिल्कुल जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा भी अगर मैंने उसको brought up दे दिया, but अगर उसके genes से उसको capacity नहीं मिली, तो आप उसे उतना successful नहीं बना पाएंगे, maybe in any field. Then comes with respect to the role of environment. Studies have reported that as children grow in age, their intelligence level, underline kariye, as children grow in age, their intelligence level tend to move closer to that of their adoptive parents. Ab shuru mein to shayad nahi hota, lekin jaise jaise wo usme badhte jayenge, unke saath rehte jayenge, fir wo kiske jaise hote jaate hain, adoptive parents jaise hote jaate hain. Children from disadvantaged homes adopted into families with higher socio-economic status. अब हमने ऑर्फनेज से एक बच्चा लिया है, बहुत रिच फैमिली के अंदर आ गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज हाई, दे एग्जिबिट अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर्स, वो बहुत हाईली अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं. देयर इज एविडेंस दैट एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन जो है, एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन समझते हैं, लाइन अंडरलाइन करो, एनवायरमेंटली अगर आपको अच्छा कल्चर अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, so environmental deprivation हो गया, that lowers intelligence. So it means environment also plays very very important role. अब बहुत सारे cases में देखा जाता है बच्चे जो है वो highly intelligent है, लेकिन they are in wrong hands. Maybe at home, at school, है ना? School ही ऐसा नहीं जो उसको उसके potential को, मतलब potential तक ला पाया बच्चे को. Wrong teachers, तो इनके इस केस में उनका क्या होगा, उनकी intelligence level कम हो जाएगी. Lower intelligence while rich nutrition, good family background, quality schooling increases intelligence. This means food plays very important role, nurture plays very important role, quality of schooling also gives very important, plays very important role in intelligence. So selection of school, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो parents बहुत time लगाते हैं राजे selection करने में, कि ताकि क्या purpose होता है, सिर्फ monetary नहीं देखते कि सस्ता हो, बढ़िया हो या महंगा हो और स्टैंडर्ड हो, पढ़ाएंगे कैसा, किस तरह से बच्चे का जो है ग्रूमिंग होगी, वो दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देयर इज अ जनरल कॉन्सिक्वेंसेस
consensus, I'm sorry, among psychologists that intelligence is a product of, underline kijiye please, it is a product of complex interaction of nature, which is heredity, nurture, environment. Heredity can best be viewed as something that sets a range within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of environment. Shaped by the support, यानी जो अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ में मिलती है, सपोर्ट हमें मिलता है, उससे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं. क्लियर? अब हम मूव करते हैं बेटा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पर. राइट, असेसमेंट कैसे होगा? 1905 में एल्फर्ड बिने एंड थियोडोर साइमन मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट. इसको हाईलाइट करके रख लो, स्टार बना लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज में श्योरली पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी ईयर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आपने लिखा फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस इन 1908 व्हेन द स्केल वाज रिवाइज्ड दे गेव द कॉन्सेप्ट मेंटल एज एमए व्हिच इज अंडरलाइन करो मेंटल एज क्या है इट इज द मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप. मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एज के बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल को मैच करना, उसे मेंटल एज कहते हैं. ओके, सो व्हिच इज आई रिपीट द लाइन एमए व्हिच इज मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप. आगे बढ़ते हैं फिर इसको कोरिलेट करेंगे. अ मेंटल एज ऑफ 5 मींस दैट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट इक्वल्स द एवरेज परफॉर्मेंस लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ 5 लेवल चिल्ड्रन. आप कैसे, मेरा 5 साल का बच्चा क्या परफॉर्म करता है, वो सेम तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता होना चाहिए जो बाकी लोगों के 5 साल का बच्चा करता है. उससे उसकी मेंटल एज, अगर वो उससे कुछ बेटर परफॉर्म करता है तो हम क्या कहेंगे, उसकी मेंटल एज ज्यादा अच्छी है, बेटर है, हायर है. देन क्रोनोलॉजिकल एजेस, ये तो बायोलॉजिकल एज हो गई, इट इज अंडरलाइन बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ. अ ब्राइट चाइल्ड्स एमए यानी मेंटल एज इज मोर देन हिज और हर सीए. मतलब वही मैंने बोला, मेरा 5 साल का बच्चा अगर वो एक्टिविटी कर देता है जो 7 साल वाले को करना चाहिए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हाईली इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है बेटा, एमए की सीए क्या है, मेंटल एज इज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज. मतलब वो अपनी एज से बड़ा काम कर गया, घरों में भी बड़ी बार एग्जाम्पल हो गया, वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है, बहुत अच्छे सेंसिबल. ऐसी एज के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हम ऐसी चीजें, बट अगर वो कर रहा है तो हम कहते हैं दे आर इंटेलिजेंट. देन नेक्स्ट लाइन कहा था, क्रोनोलॉजिकल एज इज बायोलॉजिकल एज, ब्राइट चाइल्ड एमए इज मोर, और फिर डल चाइल्ड का एमए कम होगा. मतलब वो अपनी एज से छोटी हरकतें कर रहा है तो उसे बोल दिया डल. रिटार्डेशन वॉज डिफाइंड बाय बिने एंड साइमन, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना रिटार्डेशन, एज बीइंग टू मेंटल एज इयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज. है ना, रिटार्डेशन क्या हुआ, टू मेंटल, मतलब एक तो होता है मार्जिनली ऊपर गया या मार्जिनली नीचे, बहुत नीचे आ गया. मतलब एक 10 साल का बच्चा 2 साल वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है तो हम उसे रिटार्डेशन स्टेज कह देते हैं. इन 1912 विलियम स्टर्न अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू. कौन, किसने डिवाइज किया, अंडरलाइन कर लो बेटा, विलियम स्टर्न, कौन से ईयर में, 1912 में. आईक्यू क्या है, इसका मीनिंग अंडरलाइन कर लीजिए. आईक्यू रेफर्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. मतलब परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम. ओके, द नंबर 100 इज यूज्ड एज अ मल्टीप्लायर टू अवॉइड द डेसिमल पॉइंट, ताकि हमें पूरा उसमें राउंड ऑफ नंबर मिल जाए. व्हेन द एमए इक्वल्स टू सीए देन आईक्यू इक्वल टू 100. पता चला कैसे, देखो अगर किसी की, हम ऐसे ले लेते हैं, अगर किसी की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल, देखिए फॉर्मूला क्या बेटा, आईक्यू is equal to, I'll just copy right down here, mental age upon chronological age multiplied by 100. बेटा अगर numerator और denominator बराबर हो तो answer 100 आएगा, अगर बराबर है, इसका मतलब जैसा बच्चा होना चाहिए सेज में वैसा है. अब उसने क्या, अगली example, if MA is more, if numerator is more, say it is 120,
दिस इज 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100 है ना, तो एक्सपेक्टेड था 100 मतलब नो चेंज. अब इसमें कितना चेंज हुआ बेटा, 20 से चेंज आया 20. ये देखिए नीचे एग्जाम्पल है, अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 12. इसने 10 और 12 ले लिया, चलो हम एज ही लेते हैं ना, 120 क्यों लिया हमने, रॉन्ग हो गया. 12 साल का, हाँ 12 साल क्या है उसकी मेंटल एज, 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका IQ निकला है. वेयर एज द सेम चाइल्ड, एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर MA क्या है 7 और 10, तो ये भी निकल सकता है. इससे क्या पता चलेगा, ओके सो द एवरेज IQ ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज IQ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो एट पार होती है. बीच में कुछ परसेंटेजेस हैं जो कम है और कुछ परसेंटेजेस हैं जो ज्यादा है. ओके अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर, टॉप पे. IQ स्कोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन इन सच अ वे दैट द स्कोर ऑफ मोस्ट पीपल टेंड टू फॉल इन द मिडिल रेंज. इसको ना आप नॉर्मल कर्व से समझो बेटा, नीचे जो बना हुआ है आपके यहाँ पर पेपर में बना, नीचे कर्व देखो, इसको इस तरह से बनाया है स्क्यूनेस कर्व की तरह. मिडिल में अगर आप देखें वहां पर एवरेज है 100. एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज जो लोग होते हैं वो ज्यादा, आप वैसे भी देखो बेटा उस जगह पर एरिया भी ज्यादा है. I'll just explain it on the board. ये देखिए अगर हम एक स्क्यूनेस कर्व देखें तो एरिया देखिए सबसे ज्यादा यहाँ, यानी ज्यादा लोग इधर होते हैं, ठीक है, दिख गया. तो आपको लगा ये 100 है, ठीक. इससे बियॉन्ड जाते जाइए 110, 120, 130, तो देखिए एरिया कम होता है. अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, और ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकते हैं, गिफ्टेड लोग होते हैं, लेकिन देखिए कितने कम होते जाते हैं. ऐसे ही क्या हो रहा है, जो कम इंटेलेक्चुअल वाले हैं वो कौन से हो गए बेटा, 80s में आ गए, और फिर इधर आ गए और इधर आ गए, रिटार्डेशन है कम लेकिन दे आर देयर. अब इसमें आप नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको, अगर आप ध्यान दें. देखिए 100 पर एवरेज लिखा है बेटा, 110 और 120 यानी हाई एवरेज, ये भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. फिर 120 से 130 जिनका IQ सुपीरियर, 130 ऑनवर्ड्स इज वेरी सुपीरियर, है ना, जिसे हम बहुत बड़े बड़े जितने रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हम आइंस्टाइन को कहते हैं कि वो अपने ब्रेन का इतना हैवी पोर्शन कैपेसिटी यूज करते थे, सो दैट इज वेरी सुपीरियर. अगर मैं इसके नेगेटिव से दूसरी तरफ चले हम एवरेज के माइनस वाली साइड में, तो देखो 80 to 90 इज लो एवरेज, ऐसे भी होते हैं. ये ज्यादा डेंजरस नहीं है, एक्सट्रीम में ना इतना कोई टेंशन वाला नहीं. बॉर्डर लाइन आ गया, फिर बॉर्डर लाइन से नीचे जितने भी जाते हैं, ओके जितने भी, वो पहले माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में आ गए अपने, मतलब इनको क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस में. पहले माइल्ड आए, फिर मॉडरेट आए. माइल्ड वाले भी जो है किसी हद तक ओके है, अपना टेक केयर कर सकते हैं. मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, ये तो बहुत ज्यादा टेक केयर वाले करना पड़ेगा. So this is what is normal curve. Rest we will record in the next video. Okay? Thank you.